जैसा कि आप लोगों को पता है कि सचिन मनीषा कुछ दिन पहले लाइव आए थे और उन्होंने नेहा आशीष तिवारी के घर में क्या हुआ था जब वो उनकी इंगेजमेंट में गए थे सारी बातें बताई। नेहा के भाई के बारे में भी काफी कुछ बोला और ऐसी ऐसी बातें बताई जो शायद दर्शकों को आज तक पता नहीं है। लेकिन अब वो लाइव वीडियो डिलीट हो गई है सचिन मनीषा के चैनल से। इसका क्या रीजन है ये तो किसी को नहीं पता। ये वीडियो किसी के कहने पर डिलीट हुई है या सचिन ने खुद से ये वीडियो डिलीट की है ये अभी तक मिस्ट्री है। लेकिन ये तो क्लियर है कि मनीषा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो वीडियो डिलीट हो। और मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि मैं घर में अकेली हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो डिलीट क्यों हुआ है या किसी ने करवाया है। मनीषा आगे कहती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और अब वो सारा सच बताएगी सबके नाम के साथ। मनीषा कहती है कि उसे ऐसा कहा गया है कि तुम्हें जो करना है करो। उस लाइव वीडियो में दिख रहा था कि सचिन मनीषा फिर से पहले जैसे हो गए हैं, काफी खुश दिखाई दे रहे थे और सचिन ने मनीषा से माफी भी मांगी थी। लेकिन अब फिर से मनीषा परेशान है और वो कह रही है कि उसके साथ धोखा हुआ है। आप लोगों का इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताएं।